अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रुकैया डायरीज। तो लास्ट वीक में गई थी गोवा, वहाँ पे मैंने बहुत इंजॉय की। तो मैंने इसके छोटे छोटे ब्लॉग बनाई हूँ, डे वन, डे टू और डे थ्री के, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है मेरा डे वन का है, हम लोग गोवा कैसे पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया डे वन के लिए। और यहाँ पे मैंने वहाँ की मार्केट के भी थोड़े से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये सफ़र है, ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने लोकमान्या तिलक स्टेशन से, रात में हमारी ट्रेन थी 12:45 की, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे 1 आवर पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि रात का भी टाइम था और हम लोग जल्दी पहुँच जाइए। ये हमारी ट्रेन थी, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, और ये टाइम पे तो छूट गई थी। बट मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं कि आप लोग कुछ फूड कैरी कर लीजिएगा, फूड, क्योंकि यहाँ पे जो गोवा के टाइम पे कोई भी आपको बड़े स्टेशन नहीं मिलने वाले हैं, तो सिर्फ वड़ा पाव ही मिलेगा आपको। तो वड़ा पाव तो हम मुंबई में सबसे ज़्यादा खाते ही हैं, तो आप लोग कुछ अच्छा सा कैरी कर लीजिएगा। हम लोगों का जो पहुँचने का टाइम था वो 11 बजे का था, पर हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 1:30 बज गए थे। तो यहाँ पे अलग पैसेंजर से पता चला था कि जो ये गोवा की ट्रेन रहती है हमेशा 2 या 3 घंटा लेट ही रहती है, तो आप उस हिसाब से ही प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ आप लेकर रखिएगा ही। तो हम लोग के साथ तो 3 बच्चे थे, तो हम लोगों ने उस हिसाब से शॉपिंग भी करके रखे थे, बट हम लोगों ने कुछ अच्छा नहीं लिया था खाने के हिसाब से, जैसे ब्रेकफास्ट का आइटम ये सब। हम लोगों को लगा स्टेशन आएगा, हम स्टेशन से कुछ परचेस कर लेंगे, बट आप लोग ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो हम लोग को पहुँचने में 1:30 हो गया था। आप ट्रेन से गोवा के बहुत अच्छे व्यू एंजॉय करेंगे, तो आप लोग जल्दी उठ जाइएगा। और इतनी ज़्यादा सुरंग भी आती है, आप लोगों को वो सारा भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा। और व्यू तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे आए थे, जैसे आप देख सकते हो कितने अच्छे यहाँ पे मौसम बना हुआ था जिस दिन हम लोग पहुँचे थे। तो हम लोगों ने जो गोवा जाने से पहले ही टूर वालों को ही बुक कर लिए थे, तो पिक एंड ड्रॉप उनकी तरफ से था। तो जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, 5 मिनट में हमें यहाँ पे कार पिक करने आ गई थी। और गोवा से स्टेशन से लेकर जो होटल तक का सफ़र है उसमें हम लोगों को पूरे 45 से 50 मिनट्स लगे थे। हमारा होटल है डेल्टा रेसिडेंसी, और भी मैं अंदर से भी आपको टूर कराऊंगी। यहाँ आने पे स्टेशन से हम लोगों को मिनिमम 40 से 50 मिनट्स लग गए थे। इमरान बेचारा सामान उतार रहा है, और दूसरी कार में आयजा है और जो दोस्त हमारे साथ है वो लोग हैं अभी। इसमें यहाँ पे हम लोगों को पूल भी है, तो ये किड्स के लिए भी है छोटा सा और बड़े लोग के लिए भी है, तो अच्छा है। अच्छा है, यहाँ पे रूम्स होंगे और वेटिंग एरिया भी काफी अच्छा है, लॉन, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ये क्या है? अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और भी थोड़ी फैसिलिटीज होगी, और चेंजिंग रूम और वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा। तो काफी अच्छा डिसेंट सा है, 3 स्टार होटल है, काफी अच्छा है। और डिटेल्स में आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। देख उधर भी कुछ है, वो हार्ड बना है। हाँ, हार्ड बना है ना, हाँ फोटो पॉइंट होगा। अभी हम लोगों को वेलकम ड्रिंक मिली है यहाँ पे, तो ये कुछ अनार का जूस है, काफी अच्छा है, टेस्टी है। तो आयजा भी पी रही है, आयजा की हालत खराब हो गई है ट्रैवलिंग में, और उसको वोमिटिंग भी होना चालू हो गई थी, शराब पी रही है। चार एसी लगाए, ठंडी लगने लगी आपको? हाँ मैं मारूंगी ना, पता चलेगा सब। okay.
नहा लेते हैं। हाँ, आप फ्रेश हो जाना, आप एकदम, आपकी हालत खराब हो गई है। शाम को फिर नहाऊंगी। हाँ, उसको ना कार बार ज्यादा सूट नहीं करती आयजा को, तो पैक कर रहती है ना, तो उसको ऐसे वोमिटिंग जैसा लगने लगता है। तो जूस थोड़ा खट्टा मीठा है, तो मेरी पूरा पिएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। नशा खत्म करी? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, आप पियो। ये थोड़ा सा मैं एक सिप मारूंगी, बस बस। नहीं, बस बस बस। अच्छा, आप पियो पहले। आप नानी के नाम का नहीं, आप पियो, आप पियो नानी के नाम का। अच्छा बस, नहीं जब इनको कुछ पीना नहीं रहता, खाना नहीं रहता, तो नानी के नाम का। सही, थकावट दूर करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे कॉफी और चाय एंजॉय कर रहे हैं। आयजा तो स्विमिंग पूल ही देख के इतनी एक्साइटेड है, बस उसको है कि अब भी चले जाए। पर इतनी ज्यादा धूप है, पूछो मत, मुंबई से ज्यादा गर्मी तो यहाँ पर है, बहुत ज्यादा। इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा, देख लो, शाम में जाएंगे बेटा, अभी पहले चलते हैं, आपका ड्रेस वेस चेंज कर देते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। बहुत खुश है माशाल्लाह, ट्रेन राइट टाइम पे रहेगी। अभी से प्रैक्टिस कर रही है मेरी बहन। मम्मी मैं आ गई, चलो नाना को वीडियो कॉल करते हैं। चलो आयजा। क्या बेटा? ओ, ऊपर से डायरेक्ट आयजा नीचे आएगी। अभी हम लोग सब लोग अपने रूम के तरफ जा रहे हैं, तो रूम का वे ये है। मैंने सोचा कि होटल का भी टूर करा दूं, बाद में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। काफी अच्छा डिसेंट सा होटल है, कॉफी और चाय भी बहुत अच्छी थी। जहाँ की कॉफी अच्छी तो मतलब वहाँ का सब कुछ अच्छा। बेचारे बच्चे लोग भी थक गए हैं। ये अभी हमारा ये रूम है, यहाँ से बाहर से व्यू। नशरा लोग की ये थी कि मेरे को वीडियो बनाने नहीं देंगे। हाँ, काफी अच्छा है, एसी भी है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं और आयजा सोएंगे, ये हमारी विंडो, ये व्यू है इसका यहाँ के बैक साइड का। और टीवी भी है, वॉशरूम भी देखना है तो दिखा देते हैं, जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर सकता है। इस तरह का है, बस ज्यादा नहीं देख सकते, थोड़ा सही ही और बाहर है। और यहाँ पे आपको कबर्ड मिलता है, आप लोग अलमारी में जो रखना चाहे रख सकते हो। बॉयज का रूम है, ये भी सेम ही है। मैं वाली ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये लोगों का कूदना मस्ती इन लोगों की। नहीं बाजी, अपने लिए वही बेहतर है, क्योंकि वहाँ की जो बेड है वो थोड़ी चौड़ी भी है, मैं और आयजा आराम से सो सकते हैं। और मुझे यहाँ का कलर ज्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। मैं और आयजा, मैं और आयजा, ये इमरान का दोस्त है, तो ये भी हम लोग के साथ आया है। हाँ, आराम से है ना। चलो फिर अब अपने रूम में चलते हैं। बस नशरा, चलो आयजा। तो ये बालकनी का व्यू है, और एक रूम ऊपर है, वो भी सेम ही होगा ऑलमोस्ट, तो वो जाके दिखाने की जरूरत नहीं है इतना। तो ये इस तरह से है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है शायद, तो हम लोगों का ये है। अच्छा है। हाँ, हम लोग का रूम नंबर 116 है। काफी अच्छा, मुझे लगा था हम लोग के रूम में टेबल नहीं है, पर मैंने अभी नोटिस करी कि हाँ है। ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे ना, देखो यहाँ का बेड थोड़ा अच्छा है, छोड़ा मैं और आयजा चाहे तो सो सकते हैं। क्यों, मेरे को मेरी बेटी के बिना नींद नहीं आती है। कल भी मैं नहीं सोई थी आयजा के साथ। आयजा, आप किसके साथ सो गए? ये वाले बेड पे मैं और बाजी सोएंगे फिर। हाँ, तुम दोनों उस पे सो फिर।
तो चलिए अभी हम लोग रेडी हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग होटल से फ्रेश होने के बाद कैलेंजुएट बीच जा रहे थे, जो हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, तो हम लोग वॉकिंग करके जा रहे थे। उन्होंने नॉर्मल आज के दिन हम लोग को बस अपने से ही इधर घूमना है, कल टूर वाले लेके जाएंगे। बेचारी ये टोपी लाना भूल गई है, सनस्क्रीन लगाना भूल गई। अरे मेरी बच्ची लोग, यहाँ पे देखो शॉप भी है, काले हो जाएंगे। टी शर्ट है आई लव गोवा क्वीन, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, टोपी है, ये सब मिल रहा है यहाँ पर। गोवा की टी शर्ट ले लो। आइजा को भी मैंने टी शर्ट ही वेयर कराई, मेरा ये कंफर्टेबल रहेगा, ये थोड़ा उसको अच्छा भी लगेगा। और देखते भी यहाँ से कितना दूर है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, मेरे ख्याल से कोई चर्च है यहाँ का। अरे बाप रे, चलने के लिए व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ पर, बस थोड़ी हल्की सी धूप बहुत ज्यादा ही है। तो हम लोग जो टूर वाले की तरफ से आए हैं, हम लोग को ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा, लंच हम लोगों को खुद ही करना होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बीच के अतराफ ही कुछ खाते पीते हैं। हाँ मेरी बेटी को हाय करने बोलो। वैसे अपने मोबाइल में इतने अच्छे अच्छा व्लॉग बनाएगी, और जब मैं यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी तो तब भी व्लॉग नहीं बनाएगी। एक्टिंग देखो इनके, बस सही के संभाल के। यहाँ पे आप बैग ले सकते हो। आइजा इधर साइड में हो जाओ, मार्केट जाने का मौका मिला तो इंशाल्लाह मार्केट का भी आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, यहाँ से हम लोगों को थोड़ी थोड़ी बीच दिखना स्टार्ट हो गई है। और आप लोग यहाँ पे वेस्टर्न शॉपिंग अच्छे से कर सकते हो, अगर आप वेस्टर्न वेयर पहनते हो तो काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे भी। कैसे ये वाला 950 का, और ये 450। तो यहाँ पे जो रेट होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, मैंने भी थोड़े वीडियो में सर्च कर आई थी, तो ये इस तरह के बैग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 950 तक का है, पर 600-700 के अराउंड तो आराम से मिल ही जाएगा। अच्छा, तो फिर इधर होटल्स वगैरह खाने के लिए किधर रहेगा? ये कैब कैसे, कोई भी लो, कोई भी लो, 150। चलो हम लोग आए थे बीच पे, काफी ज्यादा धूप है, हम लोग को लगा था कि कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पर, बट यहाँ पे अपने जुहू की तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं वैरायटी है। तो हम लोग अभी कहीं और जा रहे हैं, इतनी धूप में रहेंगे तो ज्यादा हालत भी खराब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर शाम में वापस आएंगे, रेत भी बहुत ज्यादा गर्म है। खाना वाना खा के हो गया, बाइजा पुल में जा रही है, उसको कब से यही था कि कब पुल में जाएंगे, कब पुल में जाएंगे। मेरे सबसे पहले पुल में ही चलो। नशरा जाओ, आराम से आराम से, एकदम आराम से। नहीं नहीं अरे सीढ़ी पर तीन ही आ जाने तो मेरी क्या पकड़ पकड़ के सीढ़ी पे जाए। मम्मी अच्छा दुपट्टा दे देना, गहरा है रे, खड़े हो अच्छा, उसको पकड़ हाथ पकड़। एक्टिंग देखो, नशरा लेकर आ,
इन लोग तो ऐसा लग रहा है कभी खेले ही नहीं है। तू मत कर ऐसा, यहाँ पे आपको व्यू मिलता है। अगर आपको बैठना है तो आप वहाँ पे बैठ भी सकते हो, या इसके ब्रिज है एक छोटी सी, इस पे भी आप जाके एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए अभी वहाँ पे एक बिल्ली आराम कर रही है। और अगर फोटो वोटो लेना है तो अभी पता नहीं क्यों ये लोगों ने प्लास्टिक लगाया है, पर यहाँ पे भी आप ले सकते हो। व्यूज अच्छे अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। फोटोज अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी फोटोज काफी अच्छी आएगी। शायद अभी रेनी सीजन की वजह से ये सारी चीजें लोगों ने लगा के रखे कि खराब ना हो ये प्लास्टिक इस वजह से। और ये येलो कलर हमें सिर्फ गोवा में देखने मिल सकता है, और काफी अच्छा भी लुक दे रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग का रूम इस तरफ है। मैं तो इतना थक गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं रूम में जाके आराम करूँ, पर बच्चों को कौन देखेगा फिर, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। ट्रेन की बहुत ज्यादा ही थकावट आ रही है। इनकी मस्तियाँ देखो, रात के वक्त का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी आइधर नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, देखो हम लोग ने पत्थर फेंका था यहाँ हम लोग बहुत खेले हैं। अभी हम लोग अच्छा लग रहा है, 7 बजे के बाद हम लोग पुल में नहीं जा सकते। 7 बजे क्या है, अच्छा हाथ धोने के लिए नहीं है बच्चों का, देखो और पानी भर गया ले पहन के दिखा ऐसा ऐसा पहन। अच्छा पहन के दिखा। ये सारे ड्रेस की कलेक्शन है, ये आपको 500 की रेंज से स्टार्ट होता है, इसका प्राइस मैंने पूछी हूँ तो ये वाला 650 का है, पर बार्गेनिंग करेंगे। और जो ऐसा की टोपी थी कैप थी वो कुछ उन्होंने 150 बताए थे, पर 250 में उन लोगों ने 2 दे दिए। तो ये सारे कलेक्शन है अभी। और ये कैसे आते हैं, ये 50 रुपए के, फिर इसके ऊपर लगाना है, कबर्ड पे लगाना है, आप कहीं भी लगा सकते हो। और यहाँ पे बैग की भी बहुत अलग अलग वेराइटी है, इस तरह की ये सब 550 की है वाली कैप उन्होंने 100 रुपीज में दी है। नशरा ये वाली ले रही है, नशरा दिखाओ कितने की दे रही है। जैसे 600 की रेंज का है, पर ये आपको लास्ट 550 तक मिल जाएगा। आप और भी बार्गेनिंग करोगे तो आपको ये आराम से दे देंगे। यहाँ पर बॉयज के शर्ट्स का कलेक्शन है, ये बॉयज के शर्ट का क्या प्राइस है, 250 के हैं शर्ट्स, कोई भी लो। बीच के वे में ही आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, तो अभी तो फिलहाल हम लोग रुकते बैठेंगे तो और लेट हो जाएगा, पर यहाँ पे भी और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है कैप के। और यही लाइन में आपको बहुत शॉप मिलने वाली है,
तो आप लोग यहीं से शॉपिंग कर लीजिए। अगर आप लोग गोवा की स्पेशली मार्केट जाओगे तो ऐसा मैंने सुनी हूँ कि वो मार्केट काफ़ी महंगी होती है। इस तरह से बहुत सारी शॉप्स मिलेगी, अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पर। और देखो आयजा ने ये लिया, आपको दिखा रही है वो, ये सब शॉप पे एक ही जैसा है। फिलहाल लेट हो गया है इसलिए डायरेक्ट हम लोग बीच पे ही जा रहे हैं। और आप यहाँ पे देखोगे आपको लाइन से सारी शॉप्स अलग अलग है। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आ रहे हो तो यही मतलब बीच के वे से ही शॉपिंग कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ये देखो आपको इस तरह से बीच के वे पे ही बहुत सारी शॉपिंग मार्केट मिल जाएगी, शॉप्स मिल जाएगी। आप लोगों को परचेस करना है तो आप लोग यहीं से परचेस कर सकते हो। पर अभी हम लोग कल साउथ गोवा जाने वाले हैं तो हम लोग वहाँ का भी देख लेंगे। तो जैसे थोड़ा बहुत ही पता है, इतना शॉपिंग करना ही नहीं है, अपने मुंबई में सब कुछ मिल जाता है और हम लोग तो वेस्टर्न पहनते ही नहीं है वैसे अभी, तो इस हिसाब से ज़्यादा हम लोगों को कुछ लेना नहीं है। बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको लेना है ये सारी चीज़ तो आप लोग यहीं से ले सकते हो। और जो शर्ट मैंने आपको बताई थी ना, जैसे इस तरह के शर्ट, एक मिनट ना ऐसा, जिस तरह के शर्ट तो वो 200 में दे रहे थे। इधर देखो वो यहाँ पे गोवा की जो टी शर्ट है सिर्फ 100 रुपीस में है, 100 और 120 में है। मुझे एक यही वे पे एक शॉप मिली है जहाँ पे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे शर्ट, बच्चों के ड्रेस 200-350 ऐसा टैग लगा हुआ है। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ से आकर शॉपिंग कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी दुकानें यहाँ पे शॉप्स हैं। तो ये जो सारी मैंने अभी आप लोगों को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मार्केट के वीडियो बताई हूँ, ये कैलिंगेट बीच के वे में आती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एंडिंग में आपको और सस्ता मिलेगा, तो आप लोग शॉपिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल मत लीज करिएगा। फिर अभी यहाँ पे आओगे तो आपको खाने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। हम लोग सुबह आए थे तो अपने होटल से कुछ 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, पर ये वाला थोड़ा आधा घंटा चल के आए हम लोगों ने। पर यहाँ पे भी देखिए आपको, ये है गोवा की फर्स्ट बीच जो हम लोग विजिट कर रहे हैं, आई लव गोवा। काफी अच्छी, अब हवा थोड़ी अच्छी ठंडी लग रही है, अब पानी भी कितना आगे आ चुका है। तो ये है बीच यहाँ के, इस तरह के यहाँ पे अलग अलग स्पॉट है, आप फोटो खिंचा सकते हो। अब वो चार्जेबल है कि क्या पता नहीं, पर यहाँ पे स्पॉट है अलग अलग। और यहाँ पे आप यहाँ पे बैठ के अगर फूड भी इंजॉय करना चाहते हो तो आप इंजॉय कर सकते हो, रेस्टोरेंट की भी फैसिलिटी है। यहाँ पे भी आपको सेल लगेगी, ये वाली शॉप का नाम है। और यहाँ पे भी आपको 20 रुपीज़ में 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। जो इस तरह की इयरिंग है वो आपको 32 रुपीज़ में मिलेगी। और ये सारे जो की चैन है, अगर आपको किसी के लिए लेके जाना है गिफ्ट करने के लिए, तो ये सब आपको 20 रुपीज़ में है। की चैन है ये सब, बताओ। पेन है देने के लिए किसी को भी, पेन है बेटा। अंदर भी आपको मिल जाएगा 30 रुपीज का, इस तरह से कुछ 30 का है, ये सारे 150 के हैं, ये 50 रुपीज के है। गिफ्ट के लिए अच्छे आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह के सीक के ब्रेसलेट चाहिए आपको तो ये भी 30-50 रुपीज के ही होंगे। ये भी जैसे देख सकते हो आप, ये 30 रुपीज का है। गिफ्ट के पर्पज से अगर आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। आपको भी दिखा रही हूँ, देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत आपके इस तरह के लकड़ी के आप बनवा सकते हो यहाँ पे, किसी को गिफ्ट करने के हिसाब से काफी अच्छे सामान मिल जाएंगे।
पिगी बैन हो गया, ट्रे हो गया, नाम का प्लेट हो गया, वॉचेस हो गई। तो ये आर्टिफिशियल अगर आपको कुछ लेना है यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। भाई इसका क्या प्राइस है? अच्छा 50 रुपए। और ये नाम का बनवाएंगे तो? हाँ 500। तो वो कितने देर में बन के मिलेगा? 10 मिनट में बन के मिल जाएगा। ये 50 रुपीज का है। ये अच्छा लग रहा है। ये किचन का भी रेट? ये भी 50 रुपीज का है। गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपको 500 पर बार्गेनिंग करने पे आपको मिल जाएगा। और बच्चों के भी टॉयस के तो थोड़े बहुत यहाँ पर है और इस तरह के भी है यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये मग है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। आपको बॉक्स चाहिए तो गोवा लिखा हुआ भी मिल जाएगा इस तरह से। कभी सबका प्राइस तो पूछ के नहीं बता सकती, बट यही रेंज का रहता है। इस तरह के आपको 450 के मिल जाएंगे। और ये छोटे 100, 150, 50 रुपीज की रेंज से। ये 50 वाले कौन सा? अच्छा ये वाला 50 है, ये 100। ओके तो आपको बड़े साइज में भी चाहिए तो बड़े साइज में भी मिल जाएंगे, और सबसे बड़े साइज में भी चाहिए तो उनका क्या रेट होगा? 700 के अकॉर्डिंग अराउंड आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ तो 30-40 रुपीज की है। तो ये मुझे थोड़ा अलग दिखा था तो मैंने चलो आपको दिखा देती हूँ। बहुत ये चलते भी हैं आजकल। और इयर रिंग्स के भी अच्छे खासे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 150 के हैं ये, बहुत अच्छी अच्छी इयर रिंग्स आपको मिल जाएगी। हम लोग बीच से होटल में आ गए हैं तो हम लोगों के लिए यहाँ पे डिनर का इंतज़ाम है। तो राइस खीर है, पनीर है, चपाती है, राइस है, दाल फ्राई है और चिकन है। तो ये हम लोगों का होना है। तो अभी हम लोगों का खाना वाना खाकर हो गया, अब जा रहे हैं सोने के लिए। कुछ टाइम भी हो गए हैं, 9:30 के अराउंड हो गया होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट डे के लिए। हम लोगों ने नेक्स्ट डे क्या किया मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।